हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं G20 शिखर सम्मिट के बारे में। आइए जानते हैं क्या होता है और क्यों यह चर्चा में आया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा G20 सम्मेलन की बैठक को जम्मू कश्मीर में आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए कैसे कैसे इसको हम आगे बढ़ाते हैं सभी जानकारी को देते हुए। पहला, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि क्यों ये चर्चा में है। तो क्यों, पहले हम देंगे क्यों का जवाब, क्यों ये चर्चा में है। तो क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने G20 सम्मेलन की बैठक को जम्मू एंड कश्मीर में करने का निर्णय लिया। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर सरकार को दायित्व दिया गया कि आप 5 सदस्यों की एक समिति का गठन कीजिए जिसकी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में G20 को किस प्रकार आयोजित कराना है। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हुई। इसके आगे बढ़ते हैं हम। आपको पता चल गया कि क्यों इसकी बैठक कहां पे कराई जा रही है और किसके द्वारा कराई जा रही है। हालांकि यह बैठक इससे पहले न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर में ही क्यों, तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में ये फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल समिट 2023 होगी, जो कि भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक का कार्य करेगी। मास्टर स्ट्रोक का कार्य करेगी। आप जानते हैं G20 सम्मेलन होता क्या है। अबाउट टू जी ट्वेंटी सम्मेलन क्या होता है। G20 सम्मेलन या समिट
तो G20 समिट क्या होता है? ये सरकारों और सेंट्रल बैंकों सेंट्रल बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। सॉरी, जिसमें 20 देश शामिल हैं। यदि हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो उसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम इसके कार्य स्थापना और इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में की गई। अब सवाल उठता है, इसका नाम G20 ही क्यों रखा गया? G20 नाम क्यों? ये उठता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें शामिल देशों की संख्या के आधार पर इसका नाम G20 रखा गया। अगर हम इसके मुख्यालय के बारे में बात करें, यानी कि इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, तो इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। क्या है? इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। यदि हम इसकी अध्यक्षता के बारे में बात करें या इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? जिस देश में ये आयोजित होता है, वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसकी बैठक के बारे में अगर हम बात करें इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। अभी हाल में 2022 की बैठक इंडोनेशिया के मिली में की
जाएगी। अगर हम 2023 के बारे में बात करें तो इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में, अगर 2024 के बारे में बात करें तो ये होगी इटली में, ठीक है। अगर हम इसके कार्यों के बारे में बात करें तो आइए इसके कार्य के बारे में जानते हैं, क्या है इसके कार्य। इसके कार्य, अगर हम इसके कार्यों के बारे में बात करें तो क्या है इसके कार्य, आतंकवाद, मानव तस्करी, वैश्विक मुद्दों आदि को समाप्त करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करना, पूरे विश्व में, अगर हम G20 के बारे में बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 75% व्यापार इन देशों द्वारा किया जाता है तथा वैश्विक जीडीपी का 85% यहीं से होता है। अगर हम इसके देशों के बारे में बात करें तो इसमें देश कौन कौन से देश हैं, तो आइए जानते हैं उन देशों के बारे में कौन कौन से देश हैं। G20 में 19 देश प्लस एक यूरोपीय यूनियन है, जिसमें देशों की संख्या 27 है। आज आइए जानते हैं ये क्या क्या है, कौन कौन से देश हैं। मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, उस शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे हम। आप आए, आई, बाहर, आपका मतलब ऑस्ट्रेलिया, आई का मतलब अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, आई का मतलब यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी का मतलब ब्राजील, डी का मतलब ब्राजील, रा का मतलब रशिया, तो टोटल हो गए 5 देश यहां से। अब बाकी देशों के बारे में अगली स्लाइड पर जानते हैं। आइए अब यहां से हमने केवल और केवल 5 देश लिए हैं, अगली स्लाइड के बारे में हम अगले देशों के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। सात
सात सात सात जाएंगे ज्योति के स्कूल। अब हम यहाँ के यहाँ से बात करें तो यहाँ से लेंगे हम जाएंगे यहाँ से भी हम पांच से छह देश को कवर करेंगे। सात का मतलब साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। जाएंगे का मतलब जापान, ज्योति का मतलब जर्मनी, के का मतलब कनाडा, स्कूल का मतलब सऊदी अरब, सऊदी अरब। यहाँ से कितने देश हुए अभी तक ये? एक दो तीन चार पाँच छः, छः देश यहाँ से हो गए। यानी कि कितने देश हुए? पांच पहली स्लाइड में और छः यहाँ से, तो यानी कि टोटल ऑफ ग्यारह देश हो गए। अब दूसरी स्लाइड पे बाकी देशों को देखते हैं। तब फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तब फिर चली मैम इंडो इंडिया इटली और इंडो इटली और यूरोपीय यूनियन तथा यूके के साथ। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन से नेम है। अगर हम तब की बात करें तो यहाँ से ले लिया हमने तुर्की, कौन सा देश लिया हमने यहाँ से? तुर्की। अगर फिर से बात करें तो यहाँ से ले लिया हमने फ्रांस, यहाँ से कौन सा देश ले लिया हमने? फ्रांस। अगर चली से बात करें तो चली से हमने कौन ले लिया? चीन, हमने यहाँ से ले लिया चीन, चली से ले लिया हमने चीन। मैम से ले लिया हमने मैक्सिको, मैम से ले लिया मैक्सिको। इंडो का मतलब इंडोनेशिया। यानी कि अगर हम बात करें यहां से हमने कितने देश लिए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, हमने यहाँ से नौ देश यहाँ से ले लिए, तो ये कितने हो गए? टोटल हो 20 देश, ये हो गए 20 देश। अगर हम यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करें, अबाउट टू यूरोपीय यूनियन, अब यहाँ पे सवाल एक उठता है कि क्या यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन के बारे में अगर हम बात करें, यूरोपीय यूनियन में अगर हम देशों की बात करें तो 27 देश हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या उठता है? क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यूरोपीय यूनियन के 27 देश के सदस्य G20 में भाग लेते हैं? तो नहीं, इन 27 देशों में से यूरोपीय यूनियन द्वारा
कोई एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो G20 में भाग लेता है, G20 में भाग लेता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके आप इसको लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो आपके पास आने वाली है एकल विवाह, कुतुब मीनार को लेकर विवाद, और बाकी भी जो होंगे डिटेल, बाकी भी जो मुद्दे आए अभी चर्चित होंगे उनके बारे में भी आपके लिए एक वीडियो आने वाली है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।